खबर भोपाल से, जहां पर सूडान में फंसे जयंत की घर वापसी हुई है। 11 दिन तक सूडान में जयंत फंसा हुआ था। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी जयंत के घर वापसी पर खुशी जताई है। विदेश मंत्रालय और पीएम मोदी का धन्यवाद भी किया है। तो आपको बता दें कि सूडान में जो हिंसा हुई और उसके बाद जयंत वहां पर फंसा हुआ था, मदद की गुहार भी बंसल न्यूज से लगाई थी परिजनों ने। उसके बाद बंसल न्यूज की मुहिम भी रंग लाई थी और अब जयंत वापस लौट आया है, घर पहुंचा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। सूडान में जो गृह युद्ध की स्थितियां बनी, उसमें भी हमारे अनेकों भाई बहन फंसे थे, भारतीय चिंतित थे, मध्य प्रदेश के लोग भी थे और लगातार हम भी सक्रिय थे उनको सुरक्षित निकाल के लाने के प्रयासों में। प्रधानमंत्री को हृदय से धन्यवाद। फंसे हुए लोग अब सकुशल भारत लौट रहे हैं और मध्य प्रदेश के भी 7 लोग सुरक्षित वापस लौटे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बाकी जो लोग अभी रह गए हैं, हम उनको प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, विदेश मंत्री जी के प्रयासों से उनको सुरक्षित निकाल के लाने में सफल होंगे। एक बार फिर ये सिद्ध हो गया है कि मोदी है तो मुमकिन है। इधर सूडान की राजधानी खार्तूम में आर्मी और पहला मिलिट्री फोर्स के जवानों के बीच गृह युद्ध जारी है। सूडान में हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं क्योंकि लोग सूडान छोड़ रहे हैं। ये लड़ाई कब खत्म होगी, इसके कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे। इस गृह युद्ध में अब तक 270 लोगों के मारे जाने की खबर है। लेकिन इस सब के बीच अच्छी खबर ये है कि सूडान में फंसे जयंत केवलानी ऑपरेशन कावेरी के तहत भोपाल लौट आए हैं। आपको बता दें कि जयंत केवलानी 20 अप्रैल से सूडान में फंसे हुए थे। जयंत की वापसी को लेकर पूरा देश फिक्रमंद था। वहीं भोपाल वापसी के बाद उनके पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। बिल्कुल दिनेश, एक बड़ी खबर है, जयंत केवलानी सकुशल भारत पहुंच चुके हैं और राजधानी भोपाल और अपने परिवार के साथ हैं। आप देखिए तस्वीरों में खुद ही नजर आ रहे हैं और पहुंचे हैं। हम उनसे पूछेंगे भी, जानेंगे क्या हाल चाल थे। जयंत, कैसा लगा होगी आपकी, आप घर पहुंच गए तो परिवार के साथ कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। वहाँ के क्या हालात थे जब आप 4-5 दिन वहाँ पर फंसे रहे? अभी तो धीरे धीरे ठीक हो रहे थे और हम चाहते हैं बहुत जल्दी ठीक हो। हम कहते हैं सूडान के लोगों के लिए लोग दुआ करें। आपके साथ और कितने लोग वहाँ पर फंसे हुए थे और सरकार ने क्या व्यवस्था लगते जी? जी 3,500 परिवार के लोग लगातार संपर्क में थे, चिंतित भी थे, तो सरकार ने किस तरीके से आपकी मदद की? उन्होंने ट्राई किया, सबसे पूछा कैसा करना है ये वो, फिर हम निकले, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया एम्बेसी ने हमारी हेल्प करी। जहाँ पे वॉर हो रहा था उससे कितनी दूरी पर थे और क्या नजारा था? हमें कुछ दिख नहीं रहा था, बस गोलियों की आवाज आ रही थी। पोते को लेकर लगातार आप प्रार्थना कर रहे थे भगवान से, आज सकुशल भी आपके पास है। हाँ, बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुआ, समय बहुत खुश हूँ मैं। जैसे ही पहुँच गया यहाँ, अभी ना आके निकला, मैं मिला भी नहीं उनसे, अभी खुश, बहुत खुश हूँ मैं। 5-7 दिन कैसे कटे? सुबह शाम एक ही विचार होता होगा, कब बेटा? उनसे प्रार्थना करते रहे सुरक्षित आ जाए बस, और कुछ नहीं। ताजी उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और खासतौर से हम देख रहे हैं मिठाइयाँ आने लगी, जो आसपास के लोग हैं वो भी खुशी मना रहे हैं चेहरे पे। आज बेटा वापस आ गया? हाँ, बहुत खुशी है, हम बहुत खुशी है। हम सबसे पहले मीडिया का धन्यवाद करेंगे क्योंकि जो मीडिया ने सहयोग दिया हमको, मीडिया ने जो हमारी बात भारत सरकार तक पहुंचाई और मध्य प्रदेश सरकार तक पहुंचाई, इसके लिए धन्यवाद करते हैं भारत सरकार का और मध्य प्रदेश सरकार का। लगातार हम लोग भी आप खबर दिखा रहे थे कि ताकि सरकार तक बात पहुंचे। बंसल, विशेष रूप से बंसल न्यूज का हम धन्यवाद करते हैं। तो बिल्कुल देखिए, घर में एक उत्साह का माहौल है क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो भी पहुंच गए। आपके चेहरे पे भी खुशी है, आपके चाचू भैया कौन है?